नासिर हाई कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए से केस वापस लेने को लेकर लिखी याचिका पर सुनवाई की। मामले में हाई कोर्ट ने एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर किया है और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी। बता दें कि विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की मामले में याचिका लगाई है और याचिका में कहा गया था कि एनआईए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है और केस वापस नहीं कर रहा। याचिका में यह भी कहा गया कि ये गणपति और रमन जैसे बड़े नक्सली लीडर का नाम था, लेकिन एनआईए द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई तो दोनों बड़े नक्सली लीडर के नाम गायब रहे। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में 30 से ज्यादा लोगों की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। के लिए केंद्रीय सरकार को, पर 2016 दिसंबर में केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जिस बात को राज्य सरकार ने दबा दिया। अभी जब सरकार बदली और कागज उथल पथल है तो ये समझ में आया कि इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराएगी, केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया। तो वापस राज्य सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया और ये मांग की कि केस डायरी जो है वो उस एसआईटी को दिया जाए ताकि जो कॉन्स्पिरेसी पार्टनर्स की जांच हो सके।